निवेदिता। देश के सभी विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला विश्वविद्यालय अगर कोई है तो वो है JNU, क्योंकि जब भी कोई बवाल होता है मीडिया की नजरों में आ जाता है और फिर शुरू होता है राजनीतिक खेल। इस राजनीतिक खेल को राइट और लेफ्ट विंग के नेता और समर्थक खूब खेलते हैं और सोशल मीडिया पर तो पक्ष और विपक्ष के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि JNU प्रशासन ने फीस से लेकर हॉस्टल फीस, मेस फीस के साथ ही साथ हर कैटेगरी की फीस में बढ़ोतरी कर दी। फिर क्या था, छात्र JNU प्रशासन को ये कहने लगे कि बड़ी हुई फीस वापस लो, लेकिन JNU प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, JNU के छात्रों ने केंद्र सरकार और JNU प्रशासन को लेकर खूब नारेबाजी की और फीस वापस करने की मांग की। फिर हार पछता कर JNU प्रशासन ने बढ़ी हुई फीस वापस ले ली, लेकिन JNU के छात्र प्रदर्शन करने पर आमादा हैं। छात्रों का कहना है कि हम लोगों को मौखिक कहा गया है, हमें JNU का मौखिक जवाब नहीं चाहिए, और फिर छात्र सड़क पर आ गए। इसी पर JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भी मोदी सरकार की आलोचना की और मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखा। कन्हैया ने लिखा, JNU की फीस बढ़ाकर और लोन लेकर पढ़ने का मॉडल सामने रखकर सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विकास की उसकी परिभाषा में हमारे गांव कस्बों के लोग शामिल ही नहीं है। जिन किसान मजदूरों के टैक्स के पैसे से विश्वविद्यालय बना, उनके ही बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो देश के युवा चुप नहीं बैठेंगे। कन्हैया ने आगे लिखा कि सरकार अभी सब कुछ बेच देने के मूड में है। देश के लोगों के टैक्स के पैसे से बने सरकारी उपक्रम लगातार निजी क्षेत्र के हाथों में जा रहे हैं। हर साल दिल खोलकर अमीरों के करोड़ों अरबों रुपए के लोन माफ करने वाली ये सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों के बजट में लगातार कटौती कर रही है और शिक्षा को बाजार के हवाले कर रही है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है और निजी स्कूल देश की बहुसंख्यक आबादी के बजट से बाहर हो चुके हैं। दम तोड़ते इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा पास करके जब गरीबों के बच्चे देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं तो ये बात भी देश के करोड़पति सांसदों और सरकार के राग दरबारियों को अखर रही है। शिक्षा के JNU मॉडल पर लगातार हमला इसलिए किया जा रहा है ताकि जियो यूनिवर्सिटी के मॉडल को देश में स्थापित किया जा सके, जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए इन्हें JNU मॉडल से इतनी नफरत है। कन्हैया ने अपने फेसबुक वॉल पर इस मुद्दे को लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि JNU को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है और पुराने छात्र बचाव में बात कर रहे हैं। वहीं राइट विंग के लोग JNU की आलोचना कर रहे हैं।